मैं रियानो के साथ खेलने के लिए बेचैन हूँ। पता है, मैंने तुम दोनों को कंपेयर करता हुआ एक प्रोग्राम देखा। अच्छा, उसमें कह रहे थे कि गोल्स की बारिश होने वाली है। सबसे ज्यादा गोल्स कौन बनाएगा, क्या वो रियानो होगा या फिर स्ट्राइकिंग का बादशाह शेख होगा? और उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद। कोच, आप क्या सोच रहे हैं? इस तरह का प्रेशर शेक को बहुत भारी पड़ेगा। शेक, बहुत ऑटोग्राफ साइन कर लिए, अब चलना यार। कम ऑन शेक, अब चल, भी प्रैक्टिस करनी है, बस हाथ हिलाते रहे और चलते रहे। शेक, एक और बार शेक। ठीक है, ये ले जो। शेक, तेरा जवाब नहीं दोस्त। We love you, शेक। तू एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? अभी नहीं, थोड़ी देर और। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ, इससे बात बनेगी। मिस्टर गुलारे, आप तुम करके देखो। मेरा पुराना दोस्त। बॉयज, ये हैं बारका के स्ट्राइक कोच। सुपर लीग में इन जैसा बेहतरीन स्ट्राइक स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं। नहीं, दरअसल वो क्या है कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ। क्या? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास एक नया काम है, शेख को तैयार करना रियानो से मुकाबला करने के लिए। सोचो गलोरे, शेख बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसे ट्रेन करोगे तो तुम एक बार फिर से अपनी पहचान पा सकते हो। जस्ट ट्रैप, हल्का सा टच बाएं पैर से, नहीं दाएं पैर से, नहीं पहले, हाँ चेस्ट, फिर घुटना। ठीक है, रियानो के पुराने मूव्स की फाइल, मैं इनका इस्तेमाल करके शेख को ट्रेन करूंगा। वो बारका को धूल चटाएगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि रियानो ने मुझे निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें ये फॉर्मूला ठीक ऐसे ही इस्तेमाल करना है, वरना ये फील्ड पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। सुनने में तो आसान लगता है। ऐसा क्या, यही तो रियानो। हाँ? ओ कुछ नहीं। वन टू थ्री फोर एंड बहुत अच्छे। जब शेख स्कोर करेगा तो रियानो को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और अब असली टेस्ट। हा 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 हा।
तुम तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा अच्छा खेले शेक। थैंक्स। बस देखते जाओ, रियानो से सामना होने के पहले मैं तुम्हें और भी कई सारे मूव सिखा दूंगा। और मूव्स? वाह, अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, कल तुम इसी तरह खेलना और तुम जरूर जीतोगे। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा गुलारे ऐसा कर रहे हैं। पर हम जान गए हैं शेक क्या करने वाला है। ये सही नहीं है। मैं रियानो कल असली शेक के साथ खेलना चाहता हूँ। पर रियानो रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे घर कौन ड्रॉप करेगा? पता नहीं आज मैच में क्या होने वाला, देखते हैं। मैंने तो प्रैक्टिस पूरी कर रखी है, तुम्हारा क्या? शेक, अरे ये देख, आज का सवाल है सबसे महान कौन है। तू तो फेमस हो गया यार। ज्यादा सोच मत दोस्त, तैयार हो जाओ टीम। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। तो दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू होने वाला है। ऐसा मुकाबला कभी कभार होता है। आज दो स्ट्राइकर्स के बीच जंग है, रियानो और शेक। उम्मीद है तुम अपने हुनर के बल पर खेलोगे। बारका टीम को हराने के लिए सिर्फ नए मूव्स ही काफी नहीं है बच्चे। अब वक्त है रियानो को दिखाने का कि स्ट्राइकिंग कैसे करते हैं। और जो बड़ी ही खूबसूरती से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से शेक को पास। मैं ड्रिबल करूं? नहीं नहीं, या मैं चिप करूं? नहीं। अरे शेक, सेंटर में पास कर यार, पीछे जाओ पीछे। अरे हाँ, जवाब मिल गया। टाटा, तुम सोचते ही रहो। वॉलिटो ने बॉल छीन ली और दे दी रियानो को, और अब बॉल रियानो। रियानो आगे तेजी से बढ़ रहा है, ब्लॉक बीच में खड़े ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। खूबसूरत पास, फिर से वापस रियानो के पास। मारना, मैं तैयार हूँ बच्चों। शॉ, बीच में से हटो, मुझे बॉल दिख नहीं रही। बारका का गोल। रियानो ने एक बार फिर अपनी स्ट्राइकिंग का जलवा दिखा दिया है, और बारका एक गोल से आगे बढ़ चुके हैं। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में जा चुका है, पर कैप्टन रास्ता ने बॉल छीन ली। बारका की पूरी कोशिश। एक गोल हो चुका है, अब शेक को तैयार रहना होगा। शो की बढ़िया किक और सीधा शेक के पास। क्या बात है, शायद शेक कोई नई टेक्निक सोच रहा है। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। शेक, सोच मत, पास कर। और शेक ने पास दिया फाइटर को, और ये बहुत ही बढ़िया किक, और ये इससे पहले इस तरह से कभी नहीं खेला करता था। वो फॉर्मूला पर चल नहीं रहा है, उसे स्कोर करने के काफी मौके मिले थे। अरे चलता है यार, देख हम अब भी साबित कर सकते हैं कि तू इस लीग का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है। हाँ, मेरे बाद ऑफ कोर्स। मैं आज फील्ड पर कुछ कर ही नहीं पाया। अरे मेरी बात मान, तेरी खराब परफॉर्मेंस के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुझे पक्का यकीन है फाइटर? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने भी टीवी पर
पर देखा तू अच्छा खेल सकता था स्पेंसर। तू तो ऐसे खेल रहा था जैसे तूने पहले कभी खेला ही ना हो स्पेंसर, खासकर तब जब तेरी नाक के नीचे से बॉल ले ली गई। स्पेंसर क्या है? मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, तो हुआ क्या था? मैं ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था, मुझे अगले मैच में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तैयार हो जाओ शेख। शेख कहाँ चला गया? हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। तो तुम आखिरकार जाग गए हाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बॉल मेरे सर पर लग सकती थी। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं होने देते, सवाल ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये हुई ना कुछ बात। रास्ता तो नहीं भूल गए? मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। तुम इससे भी अच्छा खेल सकते हो, कम ऑन। इतनी जल्दी नहीं। शेख गोल की तरफ बढ़ रहा है, उसने गोल पर कड़ी नजर रखी है, डिफेंडर पूरी तरह तैयार है, क्या ये स्कोर कर पाएगा? अब बताओ तुमने ये सब क्यों किया? हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा मुकाबला सिर्फ असली टैलेंटेड शेख से हो। फील्ड पर मिलते हैं शेख। नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं करना है। पहले बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर स्पिन वन टू, उसके बाद शूट। यूं ही खड़े मत रहो। चलो थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मुझे वहाँ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं रियानो को हरा सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं किसी और का ही खेल खेल रहा हूँ। जरा ये सब देखिए, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेख को सिर्फ रियानो के मूव सिखा रहे हो? ये सही है, तुम भी बिल्कुल सही हो। मैं वाकई एक फेलियर हूँ। मैं रिटायर नहीं हुआ था, मुझे निकाला गया था। गलोरे रुको। जाने दो कोच, रियानो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नहीं नहीं, मेरी मेहनत, ये तूने क्या किया? रुको, शेख को रियानो के मूव सीखने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है गलोरे। शेख को तुम्हारी जरूरत है उसके अपने मूव्स तराशने के लिए। चलो अभी मेरे प्यारे दोस्त, अभी बहुत काम करना बाकी है। तो दोस्तों एक बार फिर मैच का दिन आ गया है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है और पैर रखने की भी जगह नहीं है। सच में आज तो रिकॉर्ड तोड़ फैंस आए हैं। रियानो और शेख का दूसरा मुकाबला बस कुछ ही देर में। आज मेरे साथ है आप सबके चहीते रियानो। पिछले मैच में शेख बारका के सामने टिक नहीं पाया था, आज तुम्हें से क्या उम्मीद है? ऐसा है बेन कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है, जो जितना अच्छा खेलेगा वही अच्छे स्कोर से जीतेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पार्क में क्या कहना था। मैं तुम्हारे खेलने का असली स्टाइल देखना चाहता था। पर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मदद मुझे जिता सकती है? तुम पार्क में अच्छी तरह खेले उसका कोई मतलब नहीं, तुमने अब तक यहाँ कोई गोल नहीं किया है। तुम सही हो, मैंने गोल नहीं किया है अब तक। तो तुमने गुलारे को निकाल दिया? ये बात हम बाद में करेंगे। शेख पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहा है। बोलीटो का अच्छा टैकल।
बॉल और रियानो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये खतरनाक हो सकता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए और ये गोल, रियानो का पहला गोल। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स धूल चाटते रह गए। बॉल शेक के कंट्रोल में और ये शेक ने किक मारी और ये गोल होते होते रह गया। दोनों टीमों में टेंशन बढ़ता जा रहा है। बार का स्ट्राइकर का बेहतरीन फुटबॉल, क्या वो गोली को चकमा देकर एक और गोल कर पाएगा? जीत गए हो। 45 मिनट बचे हैं शेख, शायद अब तुम्हारे कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। अगर ये बॉल मेरी ओर पास करे ना तो फिर मुझे पता है तुम कर सकते हो। बार का इस वक्त लीड में है, 2 गोल से आगे चल रहे हैं और शेख ने अब तक अपना खाता भी नहीं खोला है। खोला ही होगा, हम कैसे कह सकते हैं। शेख को सेकंड हाफ में स्कोर बोर्ड पर अपना खाता खोलना ही होगा। और टाइगर ने पास दिया जो को, जो की शानदार किक। अब बॉल है शेख के पास। शेख फिर से कंफ्यूज लग रहा है, पता नहीं क्यों। आखिरकार ये चल पड़ा है, मिडफील्ड से आगे बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। मुझे इसी शेख का तो इंतजार था। वो तूफान की तरह खेल रहा है, वो बिल्कुल अकेला है। और ये गोल, शेख का खाता खुल गया। पर जीतने के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को 2 गोल और करने होंगे और वक्त निकलता जा रहा है। डूड, देर आए दुरुस्त आए। तू फिर से पहले जैसा हो गया। कमाल हो गया, अब आएगा मजा। शेख ने बॉल चो को पास की। शेख क्रॉस के लिए साइड पर खड़ा है। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ। और ये बेहतरीन हेडर। 2 गोल करके सुपर स्ट्राइकर्स बराबरी पर आ गए हैं। मैच खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं और रियानो एक और गोल करके बारका को जिता सकता है। बारका बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बॉल शॉ के पास आ गई है। अरे नहीं, वो तो रियानो ने बॉल ले ली और उसने किक मारी और ये गोली का बेहतरीन सेव। शेख अपनी टीम को जीत दिलाने से सिर्फ 1 गोल दूर है और खुद को बेहतरीन स्ट्राइकर साबित करने से भी। फाइटर, क्या उल्टा घूम जा और पुतले की तरह खड़े हो जा। क्या? और माफ कर देना दोस्त। वाह, क्या गोल किया है शेख ने या फिर फाइटर ने। अब सुपर स्ट्राइकर्स 3 गोल करके आगे निकल गए हैं। आज तो जांबाज स्ट्राइकर्स की असली जंग थी। तुमने मेरी काबिलियत पहचानने में मेरी मदद क्यों की? मुझे बस तुम्हारे साथ मुकाबला करना था, असली शेख के साथ। मैं समझ गया। अच्छा हुआ जो तुमने गोलारे को निकाल दिया। नहीं, किसी ने किसी को नहीं निकाला। कोच, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कर। बस करो, हर कोई कभी ना कभी अपने रास्ते से भटक जाता है, पर तुमने तो हमारी गेम को और भी उभारने में हमारी मदद की है। मुझे लगा कि आप में कुछ भी नया नहीं बचा था। शेख, आज की जीत का ताज तुम्हारे सिर पर है। लेकिन फाइटर तो पहले से ही इसमें बिजी हो गया है। किसे पता था कि एक सुपर स्ट्राइकर हम दोनों के बीच की दूरी मिटाएगा। क्या आपके पास अभी भी मेरी दी हुई गोल्डफिश है? वो भी हाँ है ना, ये उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। कोच गुलारे की मदद से सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली है। मैच रोमांचक चल रहा है और ये बेहतरीन हेडर। शेख का दूसरा गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो हाइड्रा को पछाड़ते जा रहे हैं।
और ये कैप्टन रास्ता बॉल को छीनते हुए आगे बढ़े। कमाल का पास है, फाइटर अपना जलवा दिखा रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स साबित कर रहे हैं कि वो क्यों सुपर लीग के सबसे बेहतरीन क्लब्स में से एक है। सुनो नकल्स, एक बात कहूँ? क्या? तुम तो टीवी वाले उस बिग बो जैसे ही दिखते हो। नहीं, सच बोल रहा है? हाँ हाँ, खुद ही देख लो। जब मैं अमेच्योर फुटबॉल खेलता था तब भी लोग मुझे यही कहते थे। तुम फुटबॉल खेलते थे? हाइड्रा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुपर स्ट्राइकर सामने वालों को एक भी गोल करने देंगे? हाइड्रा की एक और शानदार किक और एक बॉल को फिर से बचा लिया गया। लगता है आज बिग बो का दिन है। क्या बात है, कमाल का सेव। बिग बो ने उनका एक भी गोल नहीं होने दिया। मुझे ऑपोजिशन के स्कोरबोर्ड पर जीरो देखना बहुत अच्छा लगता है। हे नकल्स, तुम्हें प्रिजन 11 फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छा? तुमसे काफी मदद मिलेगी उनको। वैसे भी तुम अमेच्योर फुटबॉल तो खेल चुके हो। अगले महीने टीम को ट्रेनिंग देने के लिए बिग बो यहाँ आने वाला है। वो तुम्हें देखकर पूरी तरह शॉक हो जाएगा अपने जुड़े भाई से मिलकर। पता नाम कहाँ लिखवाना है। वेलकम बिग बो, आने के लिए थैंक्स। मुझे खुशी हुई सर। हाय, मैं हूँ गोली। हाय, मैं हूँ गोली। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे वो तो बिल्कुल पता है, वो इसकी कार्बन कॉपी है। शायद मुझे अपनी बराबरी का कोई मिल ही गया। ओके, अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। ये क्या है? किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आज के लिए इतना खेल काफी है। सब अपने अपने सेल्स में जाओ। सामिंग यूनाइटेड और एफसी कलोसस के साथ होने वाले हमारे सुपर लीग मैचेस के लिए आज मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। I love you. मेरा मतलब I love you, दोस्त। सही कहा। सोनो नकल्स, जल्दी से ऑटोग्राफ लो और चलो यहाँ से। गोली, तुम्हारे जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, पर जरा जल्दी करना। कैदियों को आपका वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है वो सोचते होंगे कि काश वो आप जैसा जी पाते आजादी से। और आप जितनी शोहरत के साथ, है ना मिस्टर बो? हाँ ठीक है, इस कार के रुकते ही मैं आजाद पंछी हो जाऊंगा। घर आ गया मिस्टर बो? अरे वाह, वेलकम बैक सर। जो का फोन आया था, आज रात क्लब में एक प्राइवेट पार्टी के बारे में बता रहे थे। आपका किट मैंने साफ कर दिया है और वो कल की गेम के लिए तैयार है। और आज सुबह ही 100 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी भी आपके कमरे में इंस्टॉल हो गया है। आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक उसमें दुनिया की हर सैटेलाइट चैनल लगा दी गई है। अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। मैं कहाँ हूँ?
हेलो नकल्स। क्या कौन? मुंह बंद करके सो जाओ नकल्स। मैं नकल्स नहीं हूँ, मैं बिग बो हूँ। मैंने कहा चुप रहो नकल्स, वरना मैं वहाँ आकर तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। अगर तुम नकल्स जैसा ही बर्ताव करोगे तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। आज भी हो जाए बिग बो। पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये खेल शुरू। आज सुपर स्ट्राइकर सोमिंग यूनाइटेड को पलक झपकाते ही मात दे देंगे। ऑटोग्राफ बांट दे। शायद हम यहाँ गेम खेलने आए हैं दोस्त। हाँ अभी आया दोस्त। इसे क्या हो गया? सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना अटैक शुरू कर दिया और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को फ्री किक। और ये आगे बढ़ के स्टार किक मारी और ये सीधी बॉल गोल के अंदर। शेख ने टीम का खाता खोल दिया और वो भी पहले मिनट के अंदर ही। क्या कर रहा है तू? बॉक्स के बाहर क्या क्या हो गया तुझे? तो अपनी पोजीशन से काफी दूर है। वो तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रहा होगा, आखिर वो बिग बो है। और ये बढ़िया किक सोमिंग यूनाइटेड की, लगता है गोल होने वाला है। पर शॉ ने गोल होने से बचा लिया। और ये शॉ का एक बेहतरीन डिफेंस। वो तुझे क्या हो गया है? बॉल टाइगर के पास, उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। टाइगर ने पास किया शेख को। टाइगर की शानदार किक और बॉल गोल के अंदर। का दूसरा गोल। और ये सोमिंग यूनाइटेड के स्ट्राइकर की लाजवाब किक। बहुत अच्छी कोशिश लेकिन शॉ ने फिर से बचा लिया। लॉक और शॉ दोनों को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। वो दोनों तो बिग बो का भी काम संभाल रहे हैं। लेकिन अब आपका सामना है स्ट्राइकर और गोलकीपर का। और ये गोल। सोमिंग ने भी अपना खाता खोल लिया है। सोमिंग ने तो बिग बो को शर्म से पानी पानी कर दिया इतना आसान गोल बनाकर। आउच, बिग बो के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। सॉरी, आज तेरा दिन नहीं था बिग बो। हाँ सही कहा। नहीं मेरा मतलब मुझे तो इसकी आदत हो गई है। क्या लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब हम चलते हैं बेन जेड के पास जो मशहूर सुपर स्ट्राइकर गोलकीपर के बारे में बताएंगे। बेन, रॉब, आज फील्ड पर बिग बो बद से बदतर हो गया। आज वो बिग बो नहीं था जिसे हम सब जानते हैं। अरे छोड़ो उसे, चलो प्रैक्टिस करें। तो क्या कहते हो? अगर बिग बो ऐसे ही खेलता रहा तो कुलोसस को सुपर स्ट्राइकर्स को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग में मदद कर देता हूँ। तो फिर नकल्स हमारी टीम में है। नकल्स? मैं नकल्स नहीं हूँ। तो फिर ये साबित करो बिग बो। मैं ये कैसे साबित करूँ कि मैं ही असली बिग बो हूँ? बॉल से उस सिक्योरिटी गार्ड की टोपी उड़ा दो। सॉरी दोस्त। सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद। क्या हमें भी सिखाओगे? हमें भी अपनी तरह खेलना सिखाओ ना प्लीज, हम भी सीखना चाहते हैं। क्या तुम सब वाकई ये गेम सीखना चाहते हो? ठीक है, वैसे भी मुझे शेप में रहना होगा ताकि यहाँ से निकलते ही मैं गेम के लिए तैयार रहूँ। यहाँ से निकलते ही भूल जाओ, नकल्स की किस्मत अच्छी थी। दिमाग लड़ाओ। अटेंशन अटेंशन, अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी फील्ड में प्रिजन 11 टीम एक असली मैच में हिस्सा लेने के लिए चुन ली गई है। गुड लक। यूनिवर्सिटी फील्ड तो स्ट्राइकरलैंड के पास ही है। रेडी बिग बो? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ।
कोलोसस एक बहुत ही मजबूत टीम है। हमें और ट्रेनिंग की जरूरत है, पर हम जितना भी जानते हैं उस सब का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। हमें सामने वाले की हर कमजोरी जाननी होगी। याद रखना, तुम सुपर स्ट्राइक आउट। हमें दुनिया को दिखाना है कि ये तो सुन भी नहीं रहा है। प्लेयर पर निर्भर नहीं है। मैं सही हूँ। हमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुपर लीग के आज तक के सबसे बड़े मैच की तैयारी करनी है। सुपर स्ट्राइकर्स और कोलोसस का मैच अगले वीकेंड पर है। हमारा मैच भी उसी दिन पर है। बिग बो को निकाल दिया क्या? नकल्स की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स हारने वाले हैं। हम तुम्हें भागने में मदद करेंगे। फिर तो हमें अभी से काम पर लग जाना होगा। मैच शुरू होने वाला है और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सुपर स्ट्राइकर्स का सब्स्टिट्यूट गोलकीपर नोहा मर्डॉक एफसी कोलोसियस के सामने खेलने का प्रेशर झेल पाएगा या नहीं? अब ये कौन कह सकता है, ये तो देखकर ही पता चलेगा। गो सुपर स्ट्राइकर्स। खैर, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि मर्डॉक की आना निकल जाए, वरना। मैं हूं बेन जेड, रिपोर्टिंग लाइव सीधे स्ट्राइकर लैंड से। अरे यार, मैं तो नए बिग बो के साथ खेलने के लिए बेचैन था। सच यार, मर्डॉक काफी अच्छा गोलकीपर है। जितना सोचा था उतना आसान नहीं होगा। वैसे अगर वो ज्यादा अच्छी तरह खेला तो हमें बस बिग बो को फिर से फील्ड पर लाना होगा। आई एम श्योर कुछ देर बाद कोच तुझे खेलने देंगे। ए, क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमारी जीत ज्यादा जरूरी है ना? तो शेख, आज तू खेलेगा या ऐसे ही खड़ा रहने वाला है? यूं ही खड़े खड़े गोल्स नहीं होते दोस्त। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो बिग बो है। शेख, पागल हो गया है क्या तू? मैं सच कह रहा हूँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। शेख, तू बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, पर अभी तू उस सब की फिक्र छोड़ दे। अभी हमें मैच जीतना है। अगर हमारे एक दो गोल हो गए तो मैं शायद तुम्हें खेलने दूंगा। आज जो भी है सर। तब तक तुम अपने ग्लव्स उतार सकते हो। नहीं, दरअसल मैं पूरी तरह तैयार रहना चाहता हूँ। वापस मुझे दो। लोग वाकई बहुत अच्छा खेले। अरे नकल्स कहाँ है? मुझे नकल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नकल्स भाग क्या है? आई रिपीट, नकल्स भाग क्या है? सुपर स्ट्राइकर्स के बैकअप गोलकीपर का बेहतरीन सेव। अब तक नोआ मर्डॉक ने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। और ये बढ़िया सेव। गोली को वापस गेम में लाने का वक्त आ गया है। बेहतरीन किक, बॉल हवा में और मर्डॉक भी हवा में। काफी चोट लगी है और लगता नहीं कि वो आगे और खेलने की हालत में है। सुपर स्ट्राइकर्स को अपने नंबर वन गोलकीपर को वापस लाना होगा। उम्मीद करो कि वो पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस ना दे। और इसके साथ ही बिग बो एक बार फिर गोल पोस्ट पर आ चुका है। बेहतरीन किक और ये सीधा, ओहो, गोल होते होते बच गया।
ओ नहीं, मैं गलत था, गोल हो गया। आज सुपर स्ट्राइकर्स का दिन खराब है, क्लोसस ने एक गोल की बढ़त बना ली है। और इसके साथ ही क्लोसस दो गोल से आगे हो गया है। आज सुपर स्ट्राइकर्स की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है। उम्मीद करो कि ब्रेक के दौरान उन्हें इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। इस तरह तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे कोच। हे बिग बो, फर्स्ट हाफ अच्छा रहा। क्या तू सच में बहुत अच्छा खेल रहा है। मुझे पता था तू बिग बो नहीं है। हट। तुम मैं नहीं 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 मैं बिग बो तू वापस आ गया। हाँ, लेकिन हुआ क्या था और वो कौन था? एक मिनट, वो कहाँ चला गया? समझाने का वक्त नहीं है, ये बता स्कोर क्या हुआ है। 2-0, हम पीछे हैं। तो चल अब स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तू तो अभी 2 मिनट पहले ही बाहर गया था ना। दोस्तों अभी समझाने का वक्त नहीं है, बस इतना जान लो कि वो दूसरा आदमी एक बहरूपिया था। असली बिग बो तो मेरे साथ खड़ा है। चलो चलकर अपने जलवे दिखाते हैं। आ जाओ टीम, 1-2-3 सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है ब्रेक में किसी ने बिग बो को जगा दिया है। आज मैच में पहली बार वो अपनी तरह खेल रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ गया है। और ये बॉल शेक के पास, बेहतरीन किक, बॉल फाइटर के पास, उसने किक मारी और गोल! और सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। सरदार बचाओ, बिग बो को चकमा देना किसी के बस की बात नहीं है। और उस थ्रो से सुपर स्ट्राइकर्स अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। बॉल ऊपर गई, शेक आगे बढ़ रहा है और ये बेहतरीन हेडा, गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने स्कोर टाई कर दिया है। फर्स्ट हाफ में पूरी तरह खेलने की वजह से इन्हें सेकंड हाफ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन्हें स्कोर करने के लिए अपनी जी जान लगानी होगी। बचे हुए 3 मिनटों में अब बिग बो को बस गोल रोकते रहना होगा ताकि गेम ड्रॉ में खत्म हो। यकीन नहीं होता, लगता है कि जैसे वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। वाकई यकीन नहीं हो रहा। कैप्टन वापस मुझे दो। बिग बो के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, बस वो तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। गोल के नजदीक, और ये शानदार किक, सुपर स्ट्राइकर्स के गोलकीपर ने तो कमाल ही कर दिया। बिग बो का जवाब गोली, सच में अच्छा हुआ कि तू वापस आ गया। तुमने तो वाकई कमाल ही कर दिया। वेल, ये सब उस टीम की बदौलत हुआ जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। पर इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उप्स, एक जरूरी काम तो रह ही गया। हेलो पुलिस, शायद मुझे पता है आपको वो कैदी कहाँ मिलेगा जो आज दोपहर को प्रिजन फुटबॉल मैच से भाग गया था। मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, वो गोली इतनी जल्दी कैसे भाग निकला और आखिर ये क्या है? मुझे नहीं पता। चलो गुड नाइट दोस्त। एक ही हफ्ते में सुपर स्ट्राइकर्स की कमजोरी ढूंढकर उसे और भी बदतर बनाना है।
सुपर स्ट्राइकर्स आज भी जीतने का इरादा लेकर आए हैं। बॉल पर उन्हीं का कब्जा है, लेकिन वो अब तक एक ही गोल बना पाए हैं। मैच खत्म होने से पहले क्या सामिंग बराबरी पर आ पाएंगे? क्या डिफेंस उन्हें रोक पाएगा? ये क्या हुआ? लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। क्या ब्लॉक बॉल तक पहुंच पाएगा? और बॉल सैमोली के पास, ब्लॉक ने उसे ब्लॉक किया। क्या शॉ उस तक पहुंच पाएगा? गोल! सामिंग का गोल! इस मैच के ड्रॉ होने से सुपर स्ट्राइकर्स के इंपॉर्टेंट लीग पॉइंट्स हाथ से निकल गए। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ होने वाला मैच काफी खड़ा होगा। लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के मिसकम्युनिकेशन से हम मनाएंगे जीत का जश्न। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता, वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने बुरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेन ज़ेड, सीधे स्ट्राइकर लाइन से। सुपर स्ट्राइकर्स ने दिखा दिया है कि उनका कम्युनिकेट ना कर पाना उनकी हार है, इसलिए उनके बीच के कम्युनिकेशन को तोड़ कर ही कुछ बात बनेगी। पर कैसे? अगर इस कंप्यूटर की याददाश्त भी मुझ जैसी अच्छी है तो जवाब भी इसी में कहीं छुपा है, और मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ब्लॉक, तू कर क्या रहा है? हम सब सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर तू अपना लॉकर क्यों खाली कर रहा है? क्या? बिल्कुल नहीं दोस्त, तू हार नहीं मान सकता। देख, कोच ने हमारे लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग तैयार की है ताकि हम कल की गलती सुधार सकें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकाली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम हार गए तो तू टीम छोड़कर जहां जाना चाहे चले जाना। मंजूर? तो अब चल, हमें ट्रेनिंग के लिए जाना है ब्लॉक। कमाल है, हमें यहाँ क्यों लाया गया? कुछ बढ़िया। दोस्तों, यहाँ कोई डिस्को विस्को होने वाला है क्या? आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं कोच? अभी देखोगे, या शायद नहीं भी। रुको, पीछे पीछे कहाँ चले गए? यस, मिल गया, अजूल और लोकोमोटिव का मैच। मैच के आखिरी 15 मिनट में घने कोहरे की वजह से दोनों टीम ना कुछ देख पाई और ना स्कोर कर पाई। यस, अगर मैं हब में फिर से वही हालात पैदा कर दूं तो हम सुपर स्ट्राइकर्स को जरूर मात दे देंगे। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ मैच में टीम की हैसियत से जीतने के लिए तुम्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना सबसे जरूरी होगा। हम अपनी वही गलती फिर से नहीं दोहराने वाले हैं कोच। बिल्कुल नहीं। सही कहा। अब ध्यान से सुनो, आज हम प्रैक्टिस करते वक्त एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तुम बिना बोले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। कोच, एक बात बताइए, फुटबॉल का इस सबसे क्या लेना देना है? फील्ड पर जब जो तुम्हें बिना बोले पास करने जाता है तो तुम कैसे जान लेते हो? ओ, वो तो आसान है, मैं उसके सिग्नल्स पढ़ता हूँ, अपने हाथ हिलाना, सिर को हिलाना। बिल्कुल, इसे ही तो कहते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन। ओ, आपको पता है वहाँ फील्ड पर कितना शोर होता है कोच? क्या इसी तरह का शोर? लगता है जैसे हम इस वक्त फील्ड पर हैं कोच। ओके बॉयज, दिखाओ तुम में कितना दम है, अटैक वर्सेस डिफेंस, जाओ। क्या? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।
बहुत अच्छे, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोच, अगर हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम खेलेंगे कैसे? सोचो अगर तुम किसी वजह से देख और सुन ना पाओ तो? ऐसा तो कभी होने से रहा कोच। तुम एक दूसरे का गेम जानते हो, कोशिश तो करके देखो। चलो देखें तुमने क्या किया। अरे तुम लोगों को यही चाहिए ना? फिक्र मत कर ब्लॉक, जहाँ भी ये जान ले सब ठीक हो जाएगा। हम सच में अंधेरे में नहीं खेलने वाले हैं। सुपर स्ट्राइकर शुरुआत में भले ही जीत रहे हो, पर जब मौसम बदल जाएगा तब अगर टीम मेट्स ही ना दिखे तो कोई भला कैसे जीते। पर एफसी टेक्निकली को कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग। मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता हूँ सर। बहुत अच्छे, वो कोहरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम सब कैसे देख पाएंगे? मेरी आवाज सुन सकते हो ना? हाँ। तो जाओ यहाँ से। ये तो जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा होने वाला है। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता, वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेन ज़ेड, सीधे स्ट्राइकर लैंड से। तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा। मैच डे। कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली बात ही नहीं है। सही कह रहे हो। और कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या साइलेंट कम्युनिकेशन, एक दूसरे की तरफ देखना, इशारे समझना, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को बिल्कुल सुन नहीं पाओगे। अब तुम सब ये ईयर प्लग्स पहन लो। सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने अपने कम्युनिकेशन पर काफी काम किया है। अफसोस वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। गुड लक सुपर स्ट्राइकर्स। चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। ये क्या कह रहा है? चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। ठीक है, जरूर। हे, चल उन्हें दिखा देते हैं। सारे फैंस के मन में बस एक ही सवाल है, क्या ब्लॉक आज अपनी टीम का साथ दे पाएगा? और ये खेल फिर से शुरू। फाइटर ने बॉल पास की शेक को, और ये शेक की बढ़िया किक। अब जो और कैप्टन रास्ता के बीच में इशारे चल रहे हैं। कैप्टन रास्ता बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पास किया जो को। ऐसा लगता है जैसे जो वहां डांस कर रहा है। शेक और फाइटर आगे बढ़ रहे हैं।
ये तो वाकई कमाल है, मैंने तो उसे इशारा करते हुए भी नहीं देखा। ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, वाकई कमाल है। और शेख ने किक मारी, गोल! सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स आपस के इशारों में कह रहे हो, हमें गोल चाहिए। बस कुछ देर और सुपर स्ट्राइकर्स, कुछ देर और। समय बीतता जा रहा है, तो चलिए अब देखते हैं कि डिफेंडर्स क्या कमाल दिखाते हैं। शॉ आगे बढ़े डिफेंड करने के लिए, लेकिन उन्हें चकमा दिया गया। और अब देखते हैं ब्लॉक क्या करते हैं। और ब्लॉक में बॉल छीन ली है। स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स ने खुद को साबित कर दिया है, उनका वाकई जवाब नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स की सीक्रेट बोली टेक्निकाली वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैक, इसी को कहते हैं फुटबॉल। कैप्टन रास्ता की बेहतरीन हेडिंग, और ये बॉल जो के पास उसने पास कर दी। ब्लॉक ने बॉल छीन ली और उसे किक मार दी। शो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी किक मारी। ब्लॉक की एक और किक, वाव! उसने तो सीधे गोल तक बॉल भेज दी। खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, क्या टेक्निकली कुछ कर पाएंगे? इस वक्त तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आज के लिए इतना मजा काफी है सुपर स्ट्राइकर्स। देखा ब्लॉक, हमने प्रॉब्लम ठीक कर दी, तू कहीं नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है, अजीब है, 5 मिनट पहले ही तो मौसम बिल्कुल साफ था। बात बन गई, काम हो रहा है। चल दोस्त, ये मैच जीत कर दिखा दे। लेफ्ट में पास करो, 12 यार्ड्स पर। मेरे ख्याल से गोल लगता तो है। सुनो मैक, क्या तुमने वो देखा? हाँ मैंने देखा। हाँ, वो एक गोल था। टेक्निकली ने अपना खाता खोल लिया है। न जाने उन्हें बॉल कैसे नजर आ रही है। सेकंड हाफ में तो बाजी पलटती जा रही है मैक। तुम में शर्म नाम की चीज है कि नहीं? रास्ता साफ है, गोल करो अभी। तरफ दो कदम लो, नहीं दूसरी तरफ जाओ अभी। गोल! क्या बात है! देखा मैच, टेक्निकली तो इन हालातों में भी अच्छा खेल रहे हैं। स्कोर टाई हो गया, हम दो गोल्स कैसे मिस कर गए? हम टेक्निकली अब हारते हारते जीत रहे हैं। अब स्कोर्स बराबरी पर हैं। ऐसे हालात में हम और नहीं खेल सकते, सब अपने लॉकर रूम में इसी वक्त चले जाएं। मुझे मैच ऑफिशियल से इस बारे में जरूरी बात करनी है, हो सकता है कि कोहरा जल्दी हट जाए। मुझे नहीं लगता। सुनो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। हम सबको फोकस्ड रहना होगा। जब कुछ दिखता ही नहीं तो फोकस कैसे करें? या तो वो मैच रोककर पॉइंट्स को आधे में बांट देंगे, या फिर हमें मैच पूरा करने देंगे। उनकी तो किस्मत ही पलट गई कोच। हाँ, और वो भी कितनी जल्दी। उन्हें बॉल कैसे दिख रही है? हाँ, वो स्कोर कैसे कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
चाहे जो भी हो हमें टेक्निकली को हराना ही होगा। अगर हम खेलने वापस जाते हैं तो हमारे पास जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 10 मिनट होंगे। दोस्तों हमें जरूरत है एक अच्छे प्लान की। नहीं जरा रुको, ब्लॉक के पास एक आइडिया है। ब्रेल, ये भाषा तो अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब नंदो? इसका मतलब है गोल। अरे वाह, ये तो कमाल है। ब्लॉक गोल करना चाहता है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। मैं समझ गया। पर इन डॉट्स की बराबरी करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए होगा। ये काफी लंबा शॉट है। टेक्निकली गेम खत्म करना चाहते हैं। स्ट्राइकर्स ने क्या सोचा है? चलो बॉयज, तैयार हो जाओ। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। ये पगला गए हैं क्या? न जाने वहां नीचे क्या हो रहा है, पर अब मैच खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हो सकता है रेफरी मैच रुकवा दे। वैसे मैक, हमें अब भी नहीं दिख रहा है कि बॉल कहां जा रही है। भीड़ की आवाज तो आ रही है, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। हमें बस उनकी पोजीशन जाननी है और फिर ब्लॉक को बॉल देनी है और अपने गोल प्लान पर अमल करना है। समझ गए? अब बाई तरफ जाओ और अब दाई तरफ। अभी वेरी गुड। अब 5 कदम आगे आकर किक कर दो। 1, 2, 3, 4 किक करो। बाई तरफ जाओ, नहीं दाई तरफ 10 कदम लो, नहीं बाई तरफ 23 कदम लो, नहीं रुको। क्या हो रहा है बोलो, ये कैसे? कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है बॉल शेख के पास है। अब क्या करोगे शेख? अब बॉल किसे पास करोगे? मेरे साथ ब्लॉक है ना? वहां रहना दोस्त। दरअसल वो ब्लॉक है। हाँ, और उसने स्कोर कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। इसे कहते हैं एक सच्चा और अच्छा टीम वर्क। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए। कमाल की बात है कि दोनों टीम इन हालातों में भी अच्छा खेली। हाँ ब्लॉक, ब्रेल में इसका मतलब उल्लू होता है। नहीं, हमें जीतना चाहिए था। नहीं सच में, वो डॉट वाली चीज करके मैच जीतने का आइडिया तो मुझे भी आया था। वाओ, कल के मैच में तो आप सबने कमाल ही कर दिया। वैसे कुछ दिखा नहीं, न्यूज में बताया था कि आपने ये मूव किया, आपने ऐसा किया, शेख ने ऐसा किया और फिर बाय ब्लॉक। बाय दोस्त। हाँ?